हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वप्निल करंट अफेयर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया था एसएससी एमटीएस पेपर 2 लीक्ड न्यूज था, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट अपडेट था, जो अलग अलग वेबसाइट में जो न्यूज आ रही थी, जो पेपर की जो फोटो थी जो ली गई है उसके बारे में, जो व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या अलग अलग वेबसाइट पे जो न्यूज आ रही थी उस बारे में मैंने वीडियो बनाया था। उन्होंने फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे पोस्ट किए हैं या वेबसाइट पे पोस्ट किए हैं, मैंने उनका वीडियो बना के आपके सामने आप तक वो बात पहुंचाने की कोशिश किया। और उस वीडियो में मैंने ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं उस टाइप के कंटेंट बनाता नहीं हूँ। इसलिए मैंने आपसे कहीं भी ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं किस टाइप के वीडियो बनाता हूँ वो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके या वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, ठीक है। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने अभी सुबह फोन किया था एसएससी के हेडक्वार्टर में, वहां पे जो मैम से बात हुई वो कॉल रिकॉर्डिंग जो है मैं आपके आपको वीडियो के एंड में सुनाने वाला हूँ, तो आप वो कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनिए। उनका कहना था कि पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद मैंने जो उनको क्रॉस क्वेश्चन किया है या मैंने जो उनको सजेशन दिया है वो आप कॉल रिकॉर्डिंग में सुन सकते हो, ठीक है। एसएससी के पेपर में क्या हुआ, अलग अलग वेबसाइट अलग अलग बात कह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछले बार जो थर्टीन ऑफ अप्रैल को जो पेपर लीक हुआ था उस बारे में नीतू सिंह मैम ने, जो डायरेक्टर है केडी कैंपस की, उन्होंने कुछ अपलोड किए थे फोटो अपने फेसबुक प्रोफाइल में, तो तब वो पेपर जो है वो री एग्जामिनेशन लिया गया था। तो जो लिया गया था, तो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने नीतू मैम को मैसेज भी किया, उन्होंने मैसेज तो देखे नहीं है खैर, तो कुछ लोगों ने वो फोटो जो है मैम के जो पोस्ट है वहां पे अपलोड किए हैं, उनको शायद वो मैम देख ले। मैम का क्या रिप्लाई आता है उस बारे में आप भी मैम को मैसेज करिए, हो सके तो आप एसएससी के हेडक्वार्टर में भी फोन करिए, कॉल रिकॉर्ड करके रखिए, यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, आपको यहाँ जाना है कैंडिडेट्स कॉर्नर में, सबसे नीचे में कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे उनकी ईमेल आईडीज और फोन नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नीचे में हर रीजन का आएगा, हेडक्वार्टर का हर चीज का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। बस मैं ये चाहता था कि जो भी हुआ है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि स्टाफ मेंबर को भी मोबाइल फोन अलाउड नहीं है, तो ये फोटो लीक कहाँ से हुई है, फोटो लीक ही क्यों गई है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही कहना था, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम से एसएससी सीजीएल से लेके या फिर सीएचएसएल में यही जो मिस्टेक है स्टाफ की तरफ से नहीं होना चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना था, और मैंने कभी भी आपको ये नहीं कहा कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इस टाइप का कंटेंट मैं बनाता ही नहीं हूँ। मेरे कंटेंट्स आपको देखना है, मेरे वीडियोस देखना है, तो आप बाकी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, हाँ हेलो मैम, मेरा नाम स्वप्निल है। ये जो न्यूज आ रही है अलग अलग वेबसाइट में, नॉलेज पब्लिक में और काफी फेसबुक और व्हाट्सएप में, कि जो एसएससी एमटीएस का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसका एक फोटो है, वो जो एग्जामिनेशन हॉल से कहां से तो वो लीक हो गया है, तो किसी ने उसका फोटो लिया है, अभी वो कैंडिडेट ने लिया है या किसी स्टाफ मेंबर ने लिया है इसका पता नहीं है, तो कैंडिडेट काफी पूछ रहे हैं कि ये फोटो लीक हुआ है क्या, पेपर तो लीक नहीं हुआ, तो इस बारे में मैंने पेपर नहीं लीक हुआ है, पेपर लीक होता तो हमें ऑफिस को इन्फॉर्म किया जाता है, ऐसा अच्छा। कोई प्रॉब्लम होता है तो मैम, बट वो फोटो के बारे में आपका क्या कहना है? पेपर तो नहीं लीक हुआ है, पेपर का कुछ प्रॉब्लम होता है, पहले लीक होने का कुछ चांसेस मतलब हुआ होता है तो हमें इमिडिएटली पता चल जाता है, पर एक भी पेपर एग्जाम से पहले लीक नहीं हुआ। हाँ मैम, लीक नहीं हुआ, बट वो फोटो जो वायरल हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है मैम? उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, पर हमारे तरफ से तो एग्जाम से पहले पेपर एक भी लीक नहीं हुआ है मैम। बट फोटो लेना तो अलाउड नहीं है, चाहे वो कैंडिडेट हो चाहे वो स्टाफ में से कोई हो, तो फोटो तो अलाउड नहीं है, मोबाइल ही अलाउड नहीं है, तो फोटो कहाँ से लिया गया है मैम? वो एग्जाम जो सीपी कंट्रोलर होते हैं उनको भी पर्सनल मोबाइल अलाउड नहीं होता है, तो कैंडिडेट ही कर सकते हैं, तो उसकी तो जांच नहीं चाहिए मैम। बस हम लोग इतना चाहते थे कि बस इसकी अगर जांच हो जाती है या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर कुछ नोटिस आ जाता है तो बस उतना ही अच्छा लगा रहता हमें, बस और कुछ नहीं। पेपर का कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम कंसिडर कर सकते हैं, चेकिंग वगैरह कुछ हो सकता है, पर पेपर का कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो हम उसमें ज्यादा नोटिस मतलब जो भी ध्यान नहीं दे रहे, ओके, क्योंकि पेपर तो एग्जाम से पहले लीक नहीं हुआ है, एग्जाम से पहले लीक नहीं हुआ है, बट फोटो ली गई है, बट फोटो ली गई है, ओके, तो चलो ठीक है मैम, बट उसकी जांच नहीं हो सकती है कि मैम कि वो फोटो लेना तो अलाउड नहीं है? कुछ पेपर से पहले कुछ हो जाता
जो टाइमिंग दिया है पेपर कुछ ऐसा दिखाया जाता है तो कुछ चेक करते, पर पेपर नहीं, एग्जाम टाइमिंग से पहले कुछ भी नहीं हुआ है तो हम उसमें ज्यादा नहीं देंगे। चलो ठीक है मैम, बट मैं सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ आपके आंसर से, क्योंकि फोटो लीक हुई है। अभी फोटो आप बोल रहे हो कि स्टाफ को तो अलाउड नहीं है मोबाइल, तो कैंडिडेट ने लिया होगा, हो सकता है, बट कैंडिडेट के पास मोबाइल कैसे आया और उसने फोटो लिया, तो वो फोटो कहाँ से ओरिजिन कहाँ से हुआ है उसका, उसकी जांच होनी चाहिए। बस हम लोग इतना ही चाहते थे, क्योंकि अगर ये एग्जाम में हुआ है तो आगे चल के सीजीएल आने वाला है जिसका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, और आगे आने वाले एग्जाम से तो तब भी ये हो सकता है, तो इसीलिए अगर उसका अगर आप जांच करते हो तो आपके लिए भी फ्यूचर के लिए भी अच्छा होगा। अभी आपका आप टायर 2 के लिए सीजीएल देने वाले हो? यस मैम। हाँ तो ईमेल आईडी है एग्जाम का, उससे मेल डाल दो। अच्छा, एग्जाम का ऑनलाइन आईडी है AI एग्जाम का, उससे मेल डाल दो आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड। ओके मैम, चलो ठीक है। और एक छोटी सी बात जो मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कहाँ पे भी उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि वर्ड लिमिट कितना होगा। अभी 150 अगर वर्ड में आपको लेटर लिखना है, तो किसी बंदे ने अगर 100 ही वर्ड में लिख दिया है तो क्या उसको कम मार्क्स मिलेंगे, या किसी ने अगर 200 वर्ड में लिख दिया है तो क्या उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे? अगर ऐसा होता तो मैं तो 250, 300, 400 वर्ड लिखने के लिए कहता कैंडिडेट्स को, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको देना चाहिए था कि आपको 150 से 200 के बीच में कहीं आपको लिखना है, ठीक है। काफी कैंडिडेट ने जो है गिने हैं कि उन्होंने कितने वर्ड्स में लिखे, तो उनमें भी उनका समय गया है, उनको ये टेंशन था कि हमने कितने वर्ड्स यूज किए हैं। अगर ज्यादा वर्ड्स हुए तो उन्होंने कुछ लाइंस काट भी दिए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, कुछ कुछ कैंडिडेट ने ऐसी गलतियां की है कि उन्होंने काट दिए है, तो उनका इम्प्रेशन जो है वो गलत पड़ेगा। बट उन्होंने मेंशन करना चाहिए था कि कितने वर्ड लिमिट होंगे और बॉक्सेस है नहीं है। जैसा कि जब बॉक्सेस जब आए थे एग्जामिनेशन में, जब लॉन्च हुए थे, तब उन्होंने दिया था कि इस टाइप का आपका मॉडल जो है ये आंसर शीट होगा, जहां पे आपको ये बॉक्सेस में ऐसा ऐसा लिखना है। उन्होंने एक मॉडल जो है क्वेश्चन आंसर शीट प्रोवाइड किए थे। इस बार उन्होंने कुछ भी अपडेट ही नहीं दिए कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट्स ब्लैंक गए, बस ब्लैंक गए, और उनको कुछ भी वहां पे आइडिया नहीं था कि कितने वर्ड्स में उनको ऐसे या लेटर लिखना है, बॉक्सेस है बॉक्सेस नहीं है, वो ब्लैंक है, उनको सरप्राइज मिला है, ठीक है। तो इस बारे में अगर SSC अगर आगे आने वाली एग्जाम में अगर पहले कैंडिडेट को अपडेट देती है कि वर्ड लिमिट कितना है और बॉक्सेस होंगे नहीं होंगे, तो ये सारी चीजें है ना पहले ही क्लियर होनी चाहिए। बस मेरा इतना ही कहना था। और अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस अगर पसंद आते हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।